इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पहले के बयान में इस बात पर जोर दिया था कि हथियारों की बढ़ती सप्लाई से युद्ध को और तेजी से खत्म करने में मदद मिलेगी। नेतन्याहू ने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के नेता विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका से कहा था कि हमें उपकरण दो, हम काम करेंगे, और मैं कहता हूं कि हमें उपकरण दो, हम काम को बहुत तेजी से पूरा कर देंगे। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी थी कि वो गाजा में राफा में हमले रोक दे, और अगर इसराइल हमले नहीं रोकता तो उसको दिए जा रहे हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा था कि अगर इसराइल को अकेले खड़ा होना पड़ा तो हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन युद्ध नहीं रोकेंगे। अब वही इसराइल अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता दिख रहा है और हथियारों की सप्लाई रोके जाने पर विरोध जता रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएंगे। इस पूरे मामले में ब्लिंकन ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल एक शिपमेंट रोका गया है जो 2000 पाउंड के बमों से जुड़ा है। उस शिपमेंट की समीक्षा की जा रही है क्योंकि राफा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में उनके इस्तेमाल को लेकर अमेरिका की अपनी चिंताएं हैं। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि बाकी सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। इसराइल के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे खुद को बचाने के लिए उसके पास सब कुछ है। दरअसल इसराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका इसराइल को पूरा सैन्य समर्थन दे रहा है, लेकिन बीते कुछ समय में हालात बदले हैं। इसराइल ने अमेरिकी चेतावनियों की परवाह न करते हुए उसे पलट कर जवाब देने के साथ ही राफा में हमला करना भी जारी रखा। इससे नाराज अमेरिका ने इसराइल को समर्थन देना रोक दिया। उस समय अमेरिका ने 2000 और 500 पाउंड के बमों की सप्लाई को रोक दिया था। अमेरिका को चिंता थी कि IDF उन बमों को घनी आबादी वाले राफा में इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि उसने गाजा के अन्य हिस्सों में किया था। अब नेतन्याहू तर्क दे रहे हैं कि अमेरिका सहायता बंद करता है तो इससे ईरान के साथ ही हमास और हिजबुल्ला सहित अन्य देशों और समूहों का मनोबल बढ़ेगा और इससे युद्ध नए मोर्चे तक बढ़ सकता है।